मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाएं चना और गुड़, मंगल दोष होगा दूर, जीवन में आएंगी खुशियां। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंगलवार का दिन गुमला के लोगों के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि गुमला के आंजन धाम को हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ हनुमान जी माता अंजनी की गोद में अपने बाल स्वरूप में विराजमान है। आंजन धाम चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल, प्रकृति के हसीन वादियों एवं ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो इस धाम की शोभा बढ़ाती है, जो काफ़ी अनोखा व अद्भुत लगता है। इसलिए जिला सहित दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ हनुमान जी के दर्शन व पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आंजन धाम में मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की महाआरती, हनुमान चालीसा पाठ एवं महाभंडारा का भी आयोजन किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। यह जिला मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनुमान जी को मंगलवार के दिन, जैसे शास्त्रों में विद्य है कि गुड़ चना चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और जैसे मंगल ग्रह या मंगल दोष किसी को लगा हुआ रहता है, तो मंगल दोष के दिन अगर गुड़ का चना का भोग लगाने से हनुमान जी उनका मंगल दोष को हरते हैं और उनका जीवन में संपूर्ण, मैंने कहना चाहिए कि खुशियां आती हैं। एक तरह की जो शादी विवाह वगैरह मंगल दोष से रुका हुआ रहता है वो संपन्न होता है। गुड़ चना चढ़ाने से भी बजरंग बली जो हो से प्रसन्न हो, उनका मंगल दोष दूर करते हैं। और क्या क्या गुड़ चना चढ़ाने से भक्तों का जो है सो मंगल का जो दोष होता है, मंगल एक दोष ऐसा दोष होता है जो अगर मंगल दोष लगा रहता है उस व्यक्ति का जल्दी शादी सेट नहीं होगा, जल्दी कहीं विवाह का बात नहीं उठता है, तो वो गुड़ और चना का भोग लगाने से बजरंग बली के सामने भोग लगाए और गुड़ चना का वितरण करने से भी मंगल दोष कटता है, और मंगल दोष काटने में बजरंग बली उनके एकदम सहायक सिद्ध होते हैं। जो प्रसन्न होते हैं तो भक्त का दुख को दूर करने के लिए उनका दोष काटा जाता है, वो दोष काटने से उनकी जो है सो जीवन में खुशियां आती है, और खुशियां आते हैं तो लोग खुश होते हैं और बजरंग बली पर विशेष चढ़ावा भी करना चाहते हैं। चना गुड़ तो इनका प्रिय है ही, तो मंगल दोष के लिए भी चढ़ाया जाता है। चना गुड़ तो ऐसे ही बजरंग बली को प्रिय है, शास्त्रों में भी विद्य है। आदमी के पास कुछ भी ना रहे, त्रिफल वगैरह भी ना रहे, तो अब चना और गुड़ अर्पण कर देने से ही बजरंग बली खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का कष्टों को हर लेते हैं।